बाबा ने कुछ ना खाया, 3 दिन से भूखा प्यासा है, सुबह से लेकर दो
जो भी मैदान में गया वापस नहीं आया। हे बाबा के घोड़े, नाना के घोड़े, मेरे बाबा को मत ले जा, मैं अपने बाबा के छाती पर सोती हूँ। मेरे बाबा चले जाएंगे तो मैं किसके छाती पर सर रखकर सोऊंगी? जरा सोचो, एक 4 साल की बच्ची, अगर किसी बच्ची का पाप मर जाता है मेरे भाई, तो हम उसके सर पर हाथ रखते हैं, लेकिन उस 4 साल की बच्ची पर किसी को तरस ना आया। और इमाम हुसैन ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे नाना जान का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। और इमाम हुसैन निकल पड़े और अपना उस सुन्नत का नमूना पेश किया। खेमे चलते गए, काफिला लुटता गया, सल्तनत का चुना होते रहे, लेकिन तुम्हारे इस्लाम और ईमान को नहीं झुकने दिया। 4 साल की बेटी को छोड़कर मैदान कर्बला में निकले और वो वीडियो में बताया और तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम दिया कि जालिमों के आगे डरना नहीं, जालिमों की तादाद कितनी भी हो तुम कम क्यों ना हो, अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा है, तुम्हारा ईमान सच्चा है, तो फतह तुम्हें मिलेगी। मेरे भाई, 22,000 यहूदियों के सामने अकेले तनहा खड़े हो जाना कोई मजाक नहीं था। 72 लाख से बिन कफन के लाइनों में पड़ी थी, जनाजा उठाने वाला कोई ना था, लेकिन जब वो नबी का नवासा तलवार को लहराता हुआ निकला, जुल्फिकार को लहराता हुआ निकला, तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, अरे कौन सी बकार है, ये कौन सा सवार है, लिबास है फटा हुआ, लक लक फटा हुआ, जिसमें छिदा छिदा फटा हुआ, फिर भी है फटा हुआ, ये नूरे नबी का ऐन है, ये फिर नबी हुसैन है, ये फिर नबी हुसैन है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, हाँ मेरा हुसैन, हाँ तेरा हुसैन, हाँ सबका हुसैन, हाँ रब का हुसैन, अगर हुसैन कर्बला में शहीद ना होते तो घर घर में यजीद होते, और इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद। मेरे भाई, वो नबी का नवासा लड़ता रहा, ना जाने कितने थी, ना जाने कितनी तलवारें, ना जाने कितने बरछी शरीर पर है, जख्मों से जिस्म चूर है, लेकिन वो नबी का नवासा, जब नमाज का टाइम हुआ और सजदे के हालात में गए, क्योंकि यजीदियों को मालूम हुआ तेरा उनका शेर काफी है, और सिमर ने उनके गले को तन से चुरा कर दिया। और इमाम हुसैन ने कहा कि मैं यही पैगाम मैदान कर्बला में देने आया था कि सुनो जालिमों, ये सर कट तो सकता है लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता, ये सर झुकेगा तो उस पाक परवरदिगार के आगे झुकेगा। मेरे भाई, वो 4 साल की बच्ची, उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, खेमा उझाड़ दिया जाता है, बत्तियां जला दी जाती है, और वो बीवियां जिनके सरों को आसमान के तारों ने भी नहीं देखा, वो बेपर्दा कर दिए जाते हैं, बाजारों में घुमाया जाता है, कंकर पत्थर मारे जाते हैं। लेकिन याद रखना, हुसैनियत जिंदा थी और हुसैनियत इसलिए आज भी जिंदा है, यजीद मर गया, यजीद का नामा निशान गिर गया। अगर ये जंग हार जीत की होती मैदान कर्बला में, तो मेरे भाई यजीद जीत गया था, लेकिन यह जंग हार जीत की नहीं थी, यह जंग नजरियात की थी, यह जंग इस्लाम को बचाने की थी, ईमान को बचाने की थी। और तुम ये बात सोच लो मेरे भाई, चाहे कितनी साली में सरकार आ जाए, घबराना मत, आखिर जितने जुल्म सितम हो जाए, अरे हम लोग इत्तेहाद के साथ 313 ने मैदान बदर मदन 313 ने मेरे भाई मैदान बदर को जीता है, और न जाने कितने खेमे जीते हैं, लेकिन वो भी हासिल का कहर था, और कर्बला के मैदान में बिन हासिल का लोगों ने सबर देखा है। तो यकीनन आप लोग जुलूस मनाओ, लेकिन इस चीज को याद रखो कि आज का दिन इतना इतना बड़ा दिन है कि हम लोग जितना रोए उतना कम है, क्योंकि हमारे दीन और इस्लाम के लिए नवासा रसूल ने अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया। मेरे भाई, तो इस दिन आप लोग खुशियों का मौसम मत समझना, क्योंकि आज वो मातम का दिन है। चांद भी मेरे भाई, सूरज भी मेरे भाई छुप गया था उस मंजर को देखकर, तपती हुई रेत भी उस मंजर को देखकर तड़प रही थी। और लोग कहते हैं कि यदि हुसैन प्यासे शहीद हो गए, तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है तो नहरे फरात के साथ हुआ है, क्योंकि नहरे फरात तो आज भी लबे हुसैन को तरस रहा होगा। मेरे भाई, आज भी नहरे फरात ये सोच रहा होगा कि इमाम हुसैन के लब तक चला जाता तो शायद मेरे साथ ये आज सबसे ज्यादा नहरे फरात। तो मैं यही कहता हूँ मेरे भाई कि वो मंदिर